सागर जिले के बहुचर्चित चाचा भतीजी मौत कांड में अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। दिग्विजय सिंह ने मृतका अंजना अहिरवार और उसके चाचा राजेंद्र अहिरवार के घर बरोदिया नौनाखेर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने परिवार के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। सागर में दलित युवती की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मृतक के परिवार से मिलने के लिए उनके गांव बरोदिया नैनागिर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक युवती के शव के पास बैठकर उनके परिवार से बात की और बाद में उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी। ये तो एक ऐसी घटना है जिसमें कि उनके परिवार के तीन लोग चले गए और ये एक उदाहरण है किस तरह से पूरे बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश जो गरीब जाति जाति के लोग किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस प्रकार दबाया जाता है और किस प्रकार प्रभाव डालकर दूसरे केस में जाते हैं, जिला बदल जेल भेजा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन पर और भी संगीन अपराध हैं, उनको जिला बदल नहीं इस प्रकार की घटना थी कि उनके घर के महिलाओं की अच्छी अच्छा और उस पर मुकदमा दायर करवा था। उस बात पर दबाव था और जब उसको मना कर दिया तो उसको सरेआम बीच बाजार में उसकी माँ को परिवार कर उसको तीन गवार दूसरी अंजना तीन में से दो तो चले गए परिवार की सुरक्षा के लिए हमने व्यवस्था कर ली और उसके भाई को अब बात यही है कि अनेक बार शिकायत करने के बावजूद भी दोषियों को मुकदमा दायर जबकि कानून में हुआ है। बता दें कि पिछले साल अगस्त में अपने भाई की हत्या का दावा करते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराने वाली दलित युवती अंजना अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार को अपने चाचा का शव ले जा रही एम्बुलेंस से गिरने के बाद अंजना की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।